हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया भर में घटा मोदी पर से भरोसा। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने निकाले 32,000 करोड़ रुपए। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बढ़ते बैंकिंग संकट, गिरते निवेश और कमजोर होते रुपए के कारण विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अक्टूबर में भी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से हजारों करोड़ रुपए निकाले हैं। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के पहले 3 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से करीब 32,000 करोड़ रुपए की निकासी की। सिर्फ अपने बेटे को नहीं, देश की सुरक्षा करे अजीत डोभाल। शौर्य डोभाल के कंपनी पार्टनर्स का नाम बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल पर पिछले दिनों कई आरोप लगे थे। दरअसल शौर्य डोभाल के इंडिया फाउंडेशन में मोदी सरकार के मंत्रियों के शामिल होने और फाउंडेशन को देशी विदेशी कंपनियों से लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था। अब शौर्य डोभाल एक बार फिर से चर्चा में है। शौर्य डोभाल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शौर्य डोभाल उत्तराखंड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 1999 की अपनी कायरता न भूले डोभाल, जब मजबूत अटल सरकार ने आतंकियों के आगे घुटने टेके थे। 24 दिसंबर 1999, सर्दियों का दिन। देश में अटल बिहारी वाजपेयी की संघ पोषित मजबूत सरकार थी। इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन दिल्ली उतरने से पहले ही आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया और जबरन उसे अफगानिस्तान के कंधर एयरपोर्ट पर ले गए। आतंकवादियों की मांग थी कि उनके 3 सबसे बड़े सरगना मसूद अजहर, उमर शेख और मुस्तफा जरगर को भारत कंधार में आकर रिहा करे, वरना सरकार मजबूत थी। उसने एक मजबूत अफसर अजीत डोभाल को आतंकवादियों से बातचीत करने में लगाया। मोदी राज में पढ़े लिखे युवा हुए ज्यादा बेरोजगार। पोस्ट ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 5.8% से हुई 8.4%। नरेंद्र मोदी युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए थे। उनके कई वादों में ये वादा भी काफी सुहाना था कि अच्छे दिनों के सपने की ओर लेकर जाने वाला भी। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 65% से ज्यादा, तो इसका फायदा भाजपा को 2014 में हुआ। लेकिन विडंबना ये है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रोजगार की स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है। इस स्तर पर लोगों को रोजगार की समस्या से जूझना पड़ रहा है और हाल ही में सामने आए आंकड़े बता रहे हैं, शिक्षित युवाओं की जमात में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राफेल के सवाल पर संबित पात्रा PC छोड़कर भाग रहे हैं, अगर जांच हुई तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भोपाल में आयोजित BJP प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस विवादों में घिर गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि संबित पात्रा ने बिना अनुमति के भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही खबर यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा पत्रकारों से सवाल से असहज हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान BJP कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बदसलूकी भी की। अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, कोर्ट संज्ञान ले और इस ताना शाह को सबक सिखाए। BJP अध्यक्ष अमित शाह के सबरीमाला मंदिर के मामले दिए गए भाषण पर काफी आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि केरल के कन्नूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि BJP अयप्पा भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लेफ्ट की सरकार ताकत के दम पर प्रदर्शनकारियों को चुप कराना चाहती है। इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शाह के बयान पर उन्हें खड़ी खड़ी सुनाई है। शाह के बयान पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र की सत्ता में बैठे पार्टी अध्यक्ष ने जो कहा है उसे देख यही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। गडकरी बोले, पहले PM के पेट से PM पैदा होते थे। आप बोली,
अब अंबानी की जेब से पैदा होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पीएम के पेट से पीएम पैदा होते थे। उन्होंने कहा कि देश पर जिन्होंने पहले राज किया उन्होंने अपने परिवारों को लाभ पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वंशवादी राजनीति के बहाने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पीएम के पेट से पीएम पैदा हुआ करते थे, सीएम के पेट से सीएम, एमएलए के पेट से एमएलए और एमपी के पेट से एमपी पैदा हुआ करते थे। हमने इसमें बदलाव किया। हम गरीब आबादी वाले एक समृद्ध राष्ट्र है, क्योंकि जिन्होंने देश पर राज किया उन्होंने अपने परिवारों का लाभ पहुंचाया। हमारे संस्थान गौशाला हो चुके हैं, जहां छात्र पत्रकारिता सीखने के बजाय सेवक बनना सीखते हैं, ये कहते हैं रवीश। 1912 में जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई की रूपरेखा बना रहे थे, तब यहाँ न्यूयॉर्क में जोसेफ पुलित्ज़र कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना कर रहे थे। सुखद संयोग कि ये 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में प्रताप की स्थापना कर रहे थे। तो ज़्यादा दुखी ना हो, लेकिन ये संस्थान पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मोहम्मद अली, शीलादित्य और सिमरन के मार्फत हमने दुनिया के इस बेहतरीन संस्था को देखा। यहाँ भारतीय छात्र भी है, और अगर ज़रा सा प्रयास करेंगे तो आपके लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं। किसी भी प्रकार का भय ना पाले, बल्कि बेहतर ख्वाब देखें और मेहनत करें। राम मंदिर में देरी पर गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। तेजस्वी बोले, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल जनवरी तक के लिए इस मामले को टाल दिया है। इस बार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बीच सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को जनवरी में उपयुक्त बेंच में सामने लाया जाएगा। पात्रा ने राहुल गांधी का गोत्र पूछा। प्रियंका बोली, राहुल गांधी का गोत्र भारतीयता है, आपका मोदीयता है। धर्म और जाति के बाद अब बीजेपी गोत्र की राजनीति करती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा अपने ट्विटर प्रोफाइल पर गोत्र का नाम लिखे जाने के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गोत्र का राग अलापा है। पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनका गोत्र पूछा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। सीबीआई के बाद अब सरकार की आरबीआई से ठनी। डिप्टी गवर्नर बोले, आरबीआई को कमजोर कर रहे हैं मोदी। सीबीआई के बाद अब आरबीआई से मोदी सरकार की ठनी हुई है। सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच नीतिगत मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें अब आ रही हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बताया है कि सरकार का दखल बढ़ता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस मतभेद का असर उर्जित पटेल के बाकी कार्यालय पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ब्याज दरों में कटौती न होने पर सरकार आरबीआई से नाराज चल रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है अमित शाह। उनके जैसा बांटने वाला राजनेता आज तक कोई नहीं हुआ, ये कहते हैं रामचंद्र गुहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह चुनाव के दौरान अलग रूप में नजर आते हैं। वो जहां कभी भी भाषण देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को अलग ही शिक्षा देते नजर आते हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक खबरें वायरल करने को बोला तो लोग हैरान रह गए कि क्या वाकई सत्ता में बैठी पार्टी फेक न्यूज को बढ़ावा दे रही है। तो इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सरदार पटेल जिंदा होते तो शर्मिंदा होते कि किसानों की जमीन छीनकर उनकी मूर्ति बना रहे हैं मोदी। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बसे सरदार पटेल की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति को बनाने में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो भटकाने के लिए आस्था की बात करेंगे।
आप अस्थाना पर डटे रहना, कहते हैं कन्हैया कुमार। सोमवार 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई होगी। 3 मिनट की सुनवाई में मामले को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि ये मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति पर बोले रवीश, मुबारक हो, दुनिया को नफरतों का नया बादशाह मिला है। बोल सोनारो ब्राजील के नए राष्ट्रपति, खुद को चिली के कुख्यात तानाशाह अगुस्तो पिनोशे का फैन कहते हैं। वैसे तानाशाह के आगे कुख्यात लगाने की जरूरत नहीं होती। बड़ी शान से कहा था कि पिनोशे को और अधिक लोगों को मारना चाहिए था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।